इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो सहित सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया है और इस साल संयुक्त अरब एमिरेट्स में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने की स्थिति में कितने भी खिलाड़ियों को बोलने की मंजूरी दी। आईपीएल संचालन परिषद यानी जीसी ने रविवार को हुई वर्चुअल बैठक में फैसला किया कि सरकार की मंजूरी मिलने की स्थिति में टूर्नामेंट 19 सितम्बर से 10 नवम्बर तक संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी यूएई की 3 स्टेडियम दुबई, शारजा और अबूधाबी में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के अनुसार 53 दिन के टूर्नामेंट में 10 मैच दोपहर को खेले जाएंगे, जो भारतीय समयानुसार 3:30 बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच भारतीय समयानुसार 7:30 बजे शुरू होंगे। बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि मानक परिचालन प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण इसमें कितने भी खिलाड़ियों का बदलाव संभव होगा। बता दें कि रविवार को आईपीएल में चीनी प्रायोजकों को लेकर एक पेचीदा मुद्दा भी खत्म हो गया। जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के बाद चीनी प्रायोजन बड़ा मुद्दा बन गया था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने इसके बाद करार की समीक्षा का वादा किया था। आईपीएल जीसी के एक सदस्य ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी प्रायोजक हमारे साथ हैं, उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। आईपीएल टाइटल प्रायोजक वीवो प्रत्येक साल करीब 440 करोड़ रुपए देता है और 5 साल का यह करार 2022 में समाप्त होगा। मौजूदा वित्तीय कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इतने कम समय में बोर्ड के लिए नया प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होगा। एक अन्य बड़े फैसले में आईपीएल जीसी ने महिलाओं की आईपीएल को भी मंजूरी दी। बोर्ड ने कहा कि महिला T20 चैलेंजर भी यूएई में होगा और इसमें 3 टीमें होंगी, जिसमें आईपीएल प्लेऑफ हफ्ते में 4 मैच खेले जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण आईपीएल को भारत से बाहर करना पड़ रहा है।